नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हमारे पास एक लावा का मोबाइल है, लावा X46, और इसमें हमारी नेटवर्क की प्रॉब्लम है, यानी कि नेटवर्क हमारा बार बार ड्रॉप हो जाता है, बार बार हमारा नेटवर्क चला जाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने लावा X46 मोबाइल की नेटवर्क की प्रॉब्लम को किस प्रकार से दूर कर सकते हो। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा विदाउट स्किप के। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाएं शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, आज हमारे पास एक लावा का मोबाइल है, लावा X46, और इसमें हमारे नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आज हम आपको इसको रिपेयर करना बताएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने लावा को मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेना है। स्विच ऑफ करने के बाद में आपको इसको ओपन करना है। ये हमने बैक पैनल को ओपन कर लिया। ये देखिए, हमने बैक पैनल को ओपन कर लिया। और अब आपको क्या करना है, अपने इसको बिल्कुल से बैक कवर को आपको निकाल लेना है। ये देखिए, हमने बैक कवर को निकाल लिया और ये लावा हमारा मौजूद है यहाँ पर, लावा X46। हमने इसको साइड में रख लिया। ये हमारी बैटरी इसके अंदर इनबिल्ड है, ये हम इसकी मेमोरी कार्ड को निकाल लेते हैं, ये सिम कार्ड को हम इसमें निकाल लेते हैं। अब इसके लिए हमें इसको ओपन करना होगा। तो इसको ओपन करने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम एक मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे। मैग्नेट का इस्तेमाल दोस्तों हम यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो भी स्क्रू ओपन करें वो मैग्नेट के लगा सकें, ताकि हमारी कोई भी स्क्रू मिस ना हो। तो हम वन बाई वन करके हम सारे के सारे स्क्रू ओपन करेंगे, फिर भी कोशिश करते हैं खोलने की। तो ये बिल्कुल से हमारा फ्री हो रहा है, हम इसको स्क्रू को साइड में रख देते हैं। और अब हमें हमारा बोन को ओपन करना है। बोन को ओपन करने के लिए आपको ये देखिए, यहाँ से ये अनलॉक करना होगा नेल्स की सहायता से। और आप इसको स्टार ओवर से इस प्रकार से अनलॉक करिए। ये देखिए, इस प्रकार से आपको अनलॉक कर लेना है। और ये हमने इसको अनलॉक कर लिया और आप देख पा रहे हैं ये बैटरी भी हमारी इसके साथ हमारी ओपन हो चुकी है। ये बैटरी का हमारा यहाँ पर है और हम इसको बिल्कुल से बैटरी कनेक्टर को भी हम इसमें रख लेते हैं यहीं पे, क्योंकि बैटरी हमारी इस स्क्रू से ही हमारी टाइट हो रही थी। तो हमने बिल्कुल बैटरी को भी साइड में रख देते हैं। और ये देखिए, हमारा बोन हमारा निकल गया और ये लावा हमारा X46 है, इसको साइड में हम रख लेते हैं। अब हमारी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारा ये एंटीना जो है हमारे, इससे ये प्रॉब्लम रहती है। तो ये जो एंटीना वायर हमारा जा रहा है, ये हमारे कहीं ना कहीं हमारा डिस्टर्बेंस रहता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक जम्पर लगाना है। ये एंटीना वायर हमारे यहाँ पे टॉप में जाता है, तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा एंटीना वायर प्रॉपर वे में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से हमारा एंटीना वायर प्रॉपर वे में लगा हुआ है। और इसको हम एक बार ओपन कर लेते हैं मदरबोर्ड को। तो ये स्ट्रिप हमें निकालनी होगी, ये स्ट्रिप भी हमें निकालनी होगी चार्जिंग वाली, ऑन ऑफ का स्विच भी हमें निकाल लेना है। और उसके बाद में हमें ये जो स्क्रू है, ये स्क्रूज का ओपन करना है ताकि हम इसको मदरबोर्ड को बाहर निकाल सकें। ये स्क्रू हमने ओपन कर लिया। स्क्रू ओपन करने के बाद में हमें ट्वीज़र की हेल्प से इसको थोड़ा सा अप करना है और हमारा मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेना है। मदरबोर्ड बाहर निकालने पर हम इस एंटीना के वायर को देखेंगे हमारा। ये हमें लॉक कर देना है और ये हमें ऑन ऑफ स्विच को भी हमें इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। ये देख पा रहे हैं आप, ये हमें लॉक कर देना है। और अब हमें यहाँ पर हमारा एक स्क्रू लगा लेना है, हमें ये एंटीना वायर लगाकर, ताकि हमारा मदरबोर्ड में किसी प्रकार की कोई भी लूजिंग ना हो। और ये हमें दूसरा सिरा हमें यहाँ पर हमारा एंटीना वायर का लगा देना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अब ये यहाँ पर लगाने से पहले दोस्तों हमें यहाँ पर हमारा ये देख लेना है। वैसे तो देखिए, हमारा ये एंटीना वायर हमारा डिफेक्टिव था, ये यहाँ से हमारा डैमेज हो रहा है। आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल से हमारा यहाँ पर ड्रॉप हो रहे थे नेटवर्क, जिसके कारण से ये देखिए हमारा ये एंटीना वायर ये बिल्कुल से डैमेज था।
जिसकी वजह से नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। और अगर आपको और भी प्रॉपर वे में बिल्कुल रेस्पॉन्स चाहिए तो आपको यहाँ से एक जम्पर लगाना है और आपको यहाँ पर एंटीना वायर पर आपको लगा देना है। तो इसके लिए आपको मीटर से पहले एक बार इसको चेक करना होगा कनेक्टिविटी को। आपको यहाँ से एक जम्पर लगा देना है दोस्तों, ताकि आपके नेटवर्क में किसी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिले। तो आपको यहाँ से ये सेंटर वाला जो आरएफ है, यहाँ से आपको जम्पर उठाकर यहाँ पर आपको लगा देना है। तो हम थोड़ा सा इसमें पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको जम्पर वायर लेना है। जम्पर वायर को आपको लगा देना है। थोड़ा सा आपको जो एंटीना वायर है हमारा बिल्कुल इसके आपको यहाँ पर आपको अपना जम्पर को लगा देना है, ताकि आपका नेटवर्क ऐप, ये देखिए हमने ये जम्पर वायर लगा दिया। अब आपको ये यहाँ से ब्लेड वगैरह से, कटर वगैरह से कट कर लेना है। और ये देखिए हमने ये जम्पर वायर लगा दिया यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, ये डिफेक्टिव एंटीना वायर हमारा, और हमने यहाँ पर यहाँ से लेकर जम्पर को यहाँ पर हमने लगा दिया आरएफ वाले में। और हमें हमारा ये अब एंटीना वायर इसके अंदर इंसर्ट कर देना है और इसको प्रॉपर वे में हमें यहाँ से सेट कर देना है। ये देखिए इस प्रकार से। ये करने के बाद में अब हमें हमारा बोन लेना है, और हमारा बोन लेकर हमें इसे बिल्कुल से प्रॉपर वे में फिट कर देना है। और हमारा यहाँ से प्रेस कर देना, ताकि हमारा जो बैटरी कनेक्टर है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में सेट हो सके। और हम इसको बिल्कुल से सेट कर देते हैं। और अब हमें हमारे स्क्रू इसके लगा देने हैं, जो भी हमने ओपन किए थे वन बाय वन कर सारे के सारे स्क्रू हमें इसमें लगा देने हैं। ताकि हमारे किसी भी प्रकार की कोई भी लूजिंग नहीं रहे सेट के अंदर। ये देखिए ये आपको लगा देना है, ताकि आपकी बैटरी का प्रॉपर वे में फिट हो सके, आपकी बैटरी में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं रहे। ये दोनों स्क्रू आपको ज़रूर लगाने हैं दोस्तों। आपको ये बॉटम साइड में भी लगा लेना है। ये देखिए दोस्तों, जितने स्क्रू हमने इसके ओपन किए थे सारे के सारे स्क्रू हमने इसमें लगा दिए हैं। और हमारा ये डिफेक्टिव एंटीना वायर है, ये देखिए डैमेज है हमारा। और अब हम इसमें बैक कवर हमारा लगाने से पहले हमारी इसके अंदर मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर लेते हैं, हमारा सिम कार्ड इंसर्ट कर लेते हैं, हम सेकेंडरी सिम कार्ड भी हम इसके अंदर इंसर्ट कर लेते हैं, और हमारा बैक पैनल इसको बैक कर देते हैं। और आप देख पा रहे हैं प्रॉपर वे में हमने इसको पैक कर दिया। और अब हम स्विच ऑन करके चेक करते हैं हमारा, ये हमने स्विच ऑन कर दिया और देखिए हमारा लावा लिखा हुआ आ गया। ये लावा हमारा मॉडल है X46।
ये देखिए दोस्तों, ये हमारा डिवाइस ऑन हो चुका है। हम वेट करते हैं नेटवर्क का। ये देखिए हमारा नेटवर्क आ चुका है और हम चेक कर लेते हैं चलाकर कुछ। ये देखिए हमारा यहाँ पर नेटवर्क प्रॉपर वे में आ चुका है। हम इसमें कुछ चलाकर चेक कर लेते हैं। यूट्यूब हम ओपन कर लेते हैं। राम राम जी, केसीआई पार्टी चुनाव चिन्ह है कौन? ये देखिए हमारा ये यूट्यूब ओपन हो गया। अब हम कुछ प्ले करके चेक कर लेते हैं कि हमने प्ले कर दिया। और ये देखिए हमारा बिल्कुल से प्रॉपर वे में हमारा काम कर रहा है, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल से। हम दूसरा कुछ प्ले करके देखते हैं। ये देखिए हमारा प्रॉपर वे में सर्च हो रहा है, कोई भी आइटम हम कर रहे हैं, ये देख पा रहे हैं आप, ये प्रॉपर वे में हमारा काम कर रहा है बिल्कुल से, किसी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। हम प्ले करके चेक कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा प्रॉपर वे में काम कर रहा है, किसी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है नेटवर्क में, बिल्कुल से हमारा काम कर रहा है। हम इसमें बिल्कुल से आपको मॉडल चेक करा देते हैं। ये देखिए हम आपको मॉडल चेक करा देते हैं, कौन सा मॉडल है ये, इसको हम क्लोज कर देते हैं। हम इसके सेटिंग में चले जाते हैं। ये हम इसकी सेटिंग में आ गए। हम ऊपर आते हैं बिल्कुल से, अबाउट फोन में आते हैं और यहाँ पर देखिए हमारा मॉडल है X46। आप देख पा रहे हैं, देखिए दोस्तों हमारा मॉडल है लावा का X46। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हमने हमारे लावा के X46 मोबाइल में नेटवर्क की प्रॉब्लम को दूर किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।